तो फ्रेंड्स, आप इस वीडियो में किचन के डिजाइन्स देख रहे हैं, जिसमें आप देख सकते हैं किचन कैबिनेट जो कि मॉडर्न डिजाइन्स के साथ आते हैं। तो अगर आपको कोई भी डिजाइन्स पसंद आती है तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा कि सारे सवालों का जवाब दे सकूं। जैसे कि किचन घर का एक ऐसा रूम है जो हर एक फैमिली के लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है। शायद यही रीजन है कि घर के फैमिली मेंबर्स अपने किचन को अधिक आरामदायक और खूबसूरत देखना चाहते हो, ताकि वो बिना किसी परेशानी के किचन में काम कर सके। ऐसे में मॉड्यूलर किचन बनवाने का आइडिया यकीन एक अच्छा विचार है। मॉड्यूलर किचन यूजर फ्रेंडली होता है और इसलिए महिलाएं ज्यादातर ये एक अधिक आरामदायक विकल्प है और उन्हें ज्यादा पसंद करते हैं। तो किचन की बनावट से लेकर किचन आइलैंड बनाते समय अमूमन हम छोटी छोटी गलतियों को नजरअंदाज कर देते हैं, जो बाद में मुश्किल पैदा कर सकती है। तो कई बार लोग शौक शौक में मॉड्यूलर किचन तो बना लेते हैं, पर उनका सही तरीके से इस्तेमाल करना बाद में मुश्किल हो जाता है। तो जब भी आप अपना किचन बनाना शुरू करते हो तो आपके किचन के लेआउट सबसे पहले ऐसी चीज है जो आपको विचार करना चाहिए। ये वही है जो निर्धारित करेगा कि आपकी किचन कितनी कार्यात्मक और आपकी किस तरह की सुविधा मिल सकती है। हालांकि एक मुख्य रूप से उपलब्ध स्पेस पर आधारित है कि आपके किचन में कितना जगह अवेलेबल है। तो सबसे अच्छा किचन लेआउट वो होगा जो कमरे के माध्यम से यातायात आपके लिए आवश्यक जो भी है आप चीज खरीद तुरंत ले सके, उसको यूज कर सके, आपको कोई उसमें तकलीफ ना हो आने जाने में किचन में। तो जब भी आप किचन बनाने का प्लान करते हो तो सबसे पहले आप किचन का लेआउट प्रॉपर तरीके से बनाइए। आपके यू शेप बनाना है, एल शेप बनाना है, तो ये तो डिपेंड है आपके किचन के जगह के ऊपर। अगर आपका किचन का जगह ज़्यादा है तो आप यू शेप बना सकते हैं, इसमें आपको स्टोरेज ज़्यादा देखने मिलेंगे। अगर आपकी किचन की जगह कम है तो आपको एल शेप या सिंगल शेप में आपको बनाना होगा, उसमें आपको स्टोरेज स्पेस कम मिलेंगे क्योंकि वहाँ पे कैबिनेट्स लगाने के लिए आपको जगह कम मिलेगी। तो हमारा अगला पॉइंट है जो है किचन कैबिनेट्स। जब भी आप किचन बनाते हो तो कैबिनेट के बिना तो किचन अधूरा है। जो आजकल जो है हर एक के घर में आप देखेंगे कि किचन मॉड्यूलर जो भी है, जितना भी है, आप किचन कैबिनेट्स आपको देखने ही मिलेंगे। उसके बिना आप स्टोरेज नहीं कर सकते। तो इसमें आप देख सकते हैं वीडियो में मैंने अच्छे से अच्छा कैबिनेट के डिजाइन दिखाई है, ताकि आपको एक ऐसा आइडिया मिल सके किचन कैबिनेट्स के लिए कौन सा कलर बेस्ट है, कॉम्बिनेशंस। या फ्रेंड्स, यदि आपको किचन के रिगार्डिंग कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछिए, मैं कोशिश करूंगा कि आपके सारे सवालों का जवाब दे सकूं। और किचन कैबिनेट्स में किस तरह के मटेरियल्स यूज होते हैं, कई तरह के फिनिशिंग आते हैं, लैमिनेट, एक्रिलिक। एक्रिलिक थोड़ा महंगा है, लेकिन अगर आप लैमिनेट के साथ जाओगे तो बेटर ऑप्शन है, वो आपके बजट में भी आएंगे और उसकी क्वालिटी भी अच्छी है और ज़्यादा चलती भी है, आप उसको शाइनिंग भी ज़्यादा मिलती है। तो ज़्यादातर आजकल किचन में लैमिनेट्स के कैबिनेट ही ज़्यादा चल रहे हैं, क्योंकि एक्रिलिक थोड़ा महंगा है। तो जिसे एक्रिलिक जमता है तो जिनके बजट में है तो वो लोग बना के लेते हैं, लेकिन ज़्यादातर आप जो मिडिल क्लास है वो किचन लैमिनेट का यूज़ कर रहे कैबिनेट्स। और जो उसमें ट्रॉलीज यूज़ होंगी वो अच्छे स्टील के ही लेना, क्योंकि वो वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, उसको बार बार हम चेंज नहीं कर सकते, ताकि बाद में वो कुछ जंग ना पकड़े या खराब ना हो, टूट फूट ना जाए। हमारा तीसरा पॉइंट है काउंटर टॉप। तो एक शाइनिंग काउंटर टॉप देखने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन ये लंबे समय के लिए अच्छा ऑप्शन नहीं है। इसलिए जब भी आप मॉड्यूलर किचन बनवा रहे तो इस बात का ध्यान रखें कि लुक्स के साथ साथ एक हैवी काउंटर टॉप चुने जो कि एक डेली यूज के लिए एकदम परफेक्ट हो। तो आप ज़्यादा डार्क वाला ही चुनना, क्योंकि जब हम लाइट चुनते हैं उसके ऊपर कुछ गिर जाता है, जैसे कि हम कुकिंग करते हो तो उसका दाग धब्बे थोड़ा लाइटली दिखने लगता है। तो आप डार्क चुनेंगे तो इसमें आपको दाग धब्बे इतना नज़र नहीं आएंगे। और उसमें जो काउंटर टॉप्स में कई तरह के मटेरियल्स आते हैं, जैसे कि ग्रेनाइट, क्वार्ट्स। तो अभी ग्रेनाइट जो है वो ज़्यादा पॉपुलर है इंडियन किचन्स में, क्योंकि उसके वो नेचुरल स्टोन से बना हुआ है, उसकी ड्यूरेबिलिटी भी अच्छी है, आपके बजट में भी आएगी। बाकी क्वार्ट्स जो है वो थोड़ा महंगा है, बाकी दोनों में क्वालिटी सेम ही है, ज़्यादा कुछ फर्क नहीं है इतना। और ग्रेनाइट में आपको कई तरह के कलर्स भी देखने मिलेंगे, ऑप्शंस। अब काउंटर टॉप्स भी जब भी लेते हो अच्छे क्वालिटी का लेना, क्योंकि
और जब भी उसको आप फिटिंग करते हो तो आप दोनों साइड में, अगर आपकी जगह किचन में जगह ज़्यादा है तो आप दोनों साइड में काउंटर टॉप लगवाए, एक जगह कुकिंग रखिए और एक जगह जहाँ पे आप वॉशिंग जो सिंक होता है वहाँ पे रखिए, मतलब ताकि जब भी आप सिंक लगाते हो, बर्तन धोते हो, तो उसका पानी जो है हमारे खाना में ना गिरे जब भी कुकिंग करते हो वक्त। तो इसके लिए दो काउंटर टॉप, अगर जगह ज़्यादा है तो आप दो काउंटर टॉप लगा सकते हैं आमने सामने। तीसरा हमारा इम्पोर्टेंट पॉइंट है किचन के टाइल्स। जैसे कि मॉड्यूलर किचन बनाते समय एक कॉमन मिस्टेक्स है जो अक्सर हम कर देते हैं, कैबिनेट से लेकर कई तरह के किचन अप्लायंस पर हम ध्यान तो देते हैं लेकिन ब्लैकलैश या स्टोव के पीछे जो हिस्से हैं शायद उस पर हमारा ध्यान नहीं जाता कि तो। लेकिन जब भी हम लगातार इस्तेमाल से एरिया बहुत अधिक चिकना व दागदार हो जाता है, जिसके बाद में महिलाओं को उसको क्लीन करना काफ़ी मुश्किल होती है और कई बार तो दाग साफ भी नहीं होता और वो किचन गंदा नज़र आता है। तो इसलिए किचन के अन्य हिस्सों की तरह ब्लैकलैश पर भी ध्यान दें, वहाँ पे टाइल्स